अस्सलामुअलैकुम, टैलेंट न्यूज के साथ मैं हूँ रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। काबुल एयरपोर्ट पर यक्के बाद दीगरे तीन धमाकों में हलाकतों की तादाद 90 हो गई। 140 अफराद जख्मी। हलाक होने वालों में 13 अमरीकी फौजी, खवातीन और बच्चे भी शामिल। धमाकों की जिम्मेदारी कल अदम दाइश खुरासान ने कबूल कर ली। पहला धमाका एयरपोर्ट के बाहर होटल के सामने हुआ, दूसरा एयरपोर्ट के गेट पर हुआ जहाँ लोगों का जम्मे गफीर था। अमरीकी सदर ने काबुल एयरपोर्ट पर धमाकों का जिम्मेदार दाइश खुरासान को करार देते हुए दाइश क़यादत पर हमलों का हुक्म दे दिया। जो बाइडन ने कहा, दाइश और तालिबान के गठजोड़ के शवाहिद नहीं मिले। एयरपोर्ट तक रास्ता खुला रखना तालिबान के मुफाद में है। काबुल एयरपोर्ट हमला भूलेंगे और ना मुआफ़ करेंगे। अफगानिस्तान में मजीद अमरीकी फौजी भेजने पड़े तो भेजेंगे। इनखिलाफ़ का अमल जारी रहेगा। दाइश के दहशतगर्द कामयाब नहीं हो सकते। अमरीकी कमांडर्स को ऑपरेशनल मनसूबों का हुक्म दे दिया है। दाइश खुरासान की क़यादत ठिकानों को असासों का निशाना बनाएंगे। तर्जुमान तालिबान की काबुल एयरपोर्ट पर हमलों की शदीद अल्फाज में मुजम्मत। इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा, धमाके के मकाम की सिक्योरिटी अमरीकी अफवाज की थी। अमारत इस्लामिया लोगों की हिफाजत और तहफ्फुज़ पर भरपूर तवज्जो दे रही है। शरपसंद अनासिर से सख्ती से निपटा जाएगा। जिम्मेदारान को कैफिर किरदार तक पहुँचाएंगे। पाकिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर दहशतगर्द हमलों की शदीद मुजम्मत। सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी। अक्वामे मुताहिदा, सऊदी अरब, चीन, बरतानिया, जर्मनी, इटली, स्पेन और फ्रांस समेत कई ममालिक की भी शदीद मजम्मत। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर एंटोनियो गुतेरेस ने सलामती काउंसिल के मुस्तकिल अरकान का इजलास तलब कर लिया। अफगानिस्तान से इनखिला के लिए अमरीकी और इतिहादी अफवाज ने पाकिस्तान से मदद मांग ली। पाकिस्तान ने भी अमरीकी दरख्वास्त मंजूर कर ली। 5,000 गैर मुल्कियों को काबुल से आर्जी तौर पर इस्लामाबाद और कराची लाने की तैयारियां मुकम्मल। इस्लामाबाद के तमाम होटल्स शहरियों के लिए बंद। ज़िलाई इंतजामिया ने कंट्रोल संभाल लिया। 2,000 से ज़ायद गैर मुल्की कराची में भी क़याम करेंगे। मुल्क भर में कोरोना के वार मजीद तेज। एक दिन में 95 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 4,016 नए केसेस भी रिपोर्ट। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6.42% रही। कराची में शरह 14, हैदराबाद में 10% रिकॉर्ड। पंजाब भर में कोरोना केसेस में इजाफा होने लगा। वैक्सीनेशन ना करवाने वालों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। लाहौर के पेट्रोल पंप्स पर पोस्टर आवेजा कर दिए गए। जिले इंतजामिया के मुताबिक 1 सितंबर से सिर्फ कोरोना वैक्सीनेशन करवाने वालों को ही पेट्रोल दिया जाएगा। हेडलाइंस आप जान चुके। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।